हेलो एवरीवन, कैसे हो? आज तो काफी टाइम हो चुका है, हमने ब्लॉग स्टार्ट किया है। 3:30 होने वाले हैं तब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है, क्योंकि राविया की तबीयत खराब थी तो ये रात को बहुत जल्दी उठ गई, इसलिए हमने ब्लॉग की स्टार्टिंग जो है काफी देर से स्टार्ट किया है। मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत ही एक अच्छी सी मशीन जो मच्छरों को पटक पटक मार देती है, पटक पटक के मारती है। अगर मच्छर ज्यादा है, गुड नाइट, बहुत ही अच्छी चीज है, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। रबु लाइट जगाई, अभी देख रहा, जब ये मच्छरों को दूर से खींच लेगी, इसको चार्ज लगाना होता है। ऑन है क्या बेटा? चार्ज लगा लो। ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो है चार्ज वाला सिस्टम है, चार्ज हो जाती है फिर ऑन कर लो। यहाँ से देखो इसके बटन लगा हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो तो येलो कलर का, इसको दबा लोगे ये ऑन हो गई। उधर है मच्छर, पड़ देगी पीछे। ये देखो मच्छरों को कैसे खींचेगी, आवाज आ रही होगी आपको। गाइज मैं आपको दिखा रही हूँ, काफी अच्छी चीज है, मेरे पास भी पहले नहीं थी। एकदम डर लगता है कि करंट हमारे अंदर ही ना आ जाए। मैं आपको अभी दिखाती हूँ, एकदम से आवाज आएगी जैसे कोई पटाखा चल रहा हो। इस साइड से ये देखिए, नीचे लेके जाओ। ये देखिए आप, अगर मच्छर कहीं भी बैठे हैं तो दूर से, अब ये देखिए आप, जहां भी मच्छर कहीं भी बैठा होगा तो मच्छर को ये पकड़ लेगी और एकदम से दूर से मच्छरों को पकड़ेगी। मैं मार के दिखाती हूँ। मिनट मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, जब मैं किचन में जाती हूँ तो एक बार घुमा देती हूँ, सुबह शाम 2-3 बार कमरे में घुमा दो। पहले तो मेरे हस्बैंड जब कल लेके आए ना, तो मैंने सोचा 170 रुपए की है। लाइट जाना बेटा, लाइट ऑन करो। पहले तो जब मेरे हस्बैंड लेके आए ना, तो मैंने सोचा इससे कैसे मच्छर मारेंगे भाई, सारा दिन कौन सा आदमी लेके रखेंगे इसको। बहुत बढ़िया चीज है, दिन में 2 या 3 बार कमरे में घुमा दो, सारे मच्छरों को मार देगी। मैं और राविया मार्केट राखी लेने के लिए जा रही हूँ, तो मैं आपको राखी ला के दिखाऊंगी कि मैंने किस टाइप की राखी खरीदी है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना बुलाना, देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना बुलाना, भैया मेरे। त्योहार के दिन नहीं रहा करते पगली, घर में छोटे मोटे झगड़े तो हुआ ही करते हैं। मैंने राखी ले ली है और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह की राखी ली है, लेकिन मैंने ज्यादा महंगी राखियाँ नहीं ली क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं होता, थोड़ी देर बाद तो हर कोई खोल ही देता है। तो मैं बैक कैमरा करके आपको दिखाती हूँ या ऐसे ही दिखा देती हूँ। आप देख सकते हो कि मैंने इस तरह की जो है 2 राखी ली है, तो मैंने इस तरह की भी 2 राखी ली है, एक लड्डू गोपाल जी के लिए और एक गणेश भगवान के लिए। अपने गणेश जी के लिए भी लाए, ये री लाए हैं, और ये रबु खुद के लिए लेके आई है, और 3 मैंने एक साथ ऐसी ली है। तो ये राविया का हमारे घर के पास ये केशव है जो साथ में पढ़ता है, एक दिन व्लॉग में भी आया था आपने देखा होगा, तो उस केशव को पहनाएगी ये, और एक इनका जो है धर्म भाई बनाए हुए हैं तो उनको 2 पहनाएगी। तो फ्रेंड्स, हम रक्षाबंधन के लिए कल, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हम थोड़ा सा घर डेकोरेट करेंगे, मतलब मैं करूंगी थोड़ा सा, मेरे को अच्छा लगता है डेकोरेशन करना, तो थोड़ा सा मैं घर डेकोरेट करूंगी क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कुछ फ्लावर्स पड़े हैं भागवत कथा के, एंड यहाँ पे मैं थाली तैयार करूंगी सुबह जल्दी जल्दी उठ के, फिर हमारे घर पे केशव आएगा राखी बंधवाने, फिर मैं उसको बांधूंगी, और सबसे अच्छी बात मेरे को लगती है गिफ्ट लेना। तो फ्रेंड्स, मैं अभी जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। मैं आप सबको दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सब ने जो है पार्टिसिपेट किया, और आपको भी खूब मजा आया होगा क्योंकि आज मेरी वीडियो जो है मेकअप वाली सुबह ही अपलोड हो गई थी और मैंने उसमें विनर भी अनाउंसमेंट कर दिए थे। तो मेरी वीडियो में कुछ नए सब्सक्राइबर भी अब जुड़े हैं गिव अवे पर, मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करती हूँ, और नेक्स्ट मौका जो है उनको भी गिव अवे में विनर बनने का मिलेगा, और जल्दी ही हम नेक्स्ट गिव अवे भी रखेंगे, जरूर मौका मिलेगा। तो कुछ लोगों ने कमेंट किए कि दीदी हमें विनर नहीं बनाया, हम भी लगातार कंटिन्यू जो है आपको कमेंट कर रहे थे, वीडियो को देख रहे थे, आपको सपोर्ट कर रहे थे। तो मैं उन सबको यही कहूंगी कि आप बिल्कुल भी उदास ना हो, नेक्स्ट गिव अवे भी 1 मंथ के बाद रख दिया जाएगा, और जल्दी से जल्दी उसकी भी अनाउंसमेंट होगी, 1 मंथ के बाद उसकी भी अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो आप लोग जो है लगातार मेरी वीडियो के साथ बने रहें, सपोर्ट करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें,
आप लोगों को भी विनर बनने का जो है मौका जरूर मिलेगा और मैं ये मौका आपको जरूर दूंगी। और आप सब लोगों के नाम मेरे माइंड में है, कुछ नए सब्सक्राइबर आए हैं जो लगातार कमेंट कर रहे हैं और लगातार वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सबको भी दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।